सिवनी मालवा में नगर पालिका परिषद द्वारा आचार संहिता लगने के ठीक एक घंटे पहले करोड़ों रुपए के विकास कार्य की स्वीकृति दी गई एवं वर्क ऑर्डर भी ले लिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कभी भी आचार संहिता लग सकती थी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद की ओर से शहर के सबसे पुराने लगभग 160 साल पुरानी शासकीय माध्यमिक शाला का जीर्णोद्धार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कबेलू और लकड़ियों को हटाकर टीन लगा दिए गए हैं, जिसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम में नगर पालिका सिवनी मालवा की ओर से आयोजित किया गया। साथ ही आचार संहिता लगने के संकेत सुबह से ही मिल रहे थे, इसलिए फौरन करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृत कर उसका वर्क ऑर्डर भी ले लिया गया। के बारे में बताएं जी, आज ये सिवनी मालवा नगरी क्षेत्र में जो सबसे पुरानी प्राथमिक शाला है, लगभग 160 साल पुरानी, तो इसको नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा यहाँ पर जो आवश्यक मरम्मत काम थे हाथ में लिए गए थे जी। इसमें जो प्रमुख रूप से जो यहाँ का जो शेड है ऊपर का, वो काफ़ी जीर्ण अवस्था में था, तो हमारी परिषद ने उसको हाथ में लिया निर्णय करके और इस काम को स्टार्ट कराया था, जो कि आज आप देख रहे हैं कि हो चुका है। और इसी अवसर पर हम हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी पार्षद लोग यहाँ पे आए हैं कार्यक्रम के लिए, एवं साथ ही अवलोकन भी किया आप लोगों ने शाला के। यहाँ पे और भी जो काम अधूरे हैं, समस्याएँ, जैसा कि अभी यहाँ के जो प्रधान पाठकार उन्होंने डिमांड दी है, कुछ खुलके दरवाजों में भी समस्या है, कुछ बाउंड्री वाले में, तो जो भी हमारे संसाधन होंगे उसके अंतर्गत हम उनकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है।